हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सर्वाइकल के दर्द का सिंपल सी एक्सरसाइज लेके आई हूँ, जिसको करके आप अपने गर्दन दर्द से बहुत हद तक आराम पाएंगे। क्योंकि बहुत किसी का होता है कि जब गर्दन में दर्द रहता है तो अपने हाथों को भी नहीं उठा पाते, अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, अपने सिर को इस तरह घुमा भी नहीं सकते, उनको सिर घुमाने में भी दर्द होता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये जड़ से खत्म हो जाए तो आप इस सिंपल एक्सरसाइज को कीजिए। और अगर आप रोज इसे करते हो तो धीरे धीरे करके आपका ये जो दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अपने दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर। फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे आराम से आपको जैसे हो आप आराम से बैठ जाए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह सीधा करें और इतना ही फैलाएं हाथों को, इतना ज्यादा दूर गैप नहीं, जितना आपको कंधों के, जैसे इतना हमारा कंधा चौड़ा है तो इतने कंधों के बराबर ही अपने हाथों को इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेकर आए और अपने उंगलियों को इस तरीके से अंदर की ओर दबाएं, सांसें भरें, फिर सांसें छोड़ते हुए, जैसे सांसें भरें, सांसें छोड़ते हुए हाथ की हथेलियों को मुट्ठी इस तरह बनाना है, उंगलियों को अंदर, फिर सांसें भरें, उंगलियों खोलें, फिर सांसें छोड़ें, उंगली को अंदर। तो इस तरह आपको 5 से 10 बार करना है, जैसे 1 2 सांसें भरें, सांसें छोड़ें, 3 4 5। तब शुरू में 5 बार ही करें, 6 बार करें, जैसे सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए मुट्ठी बनाएं हाथों को इस तरह से, उंगलियों को, और सांसें छोड़ें। तो इस तरह आप शुरू में 5 से 6 बार कर सकते हैं। एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से सीधा ले आना है, बिल्कुल अपने कंधों के बराबर इस तरीके से सांसें भरना। आप मेरे साथ साथ करें और देखें, जैसे सांसें भरें, सांसें छोड़ते हुए हाथ की हथेलियों को नीचे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपको करना है, सांसें भरना हाथ ऊपर, सांसें छोड़ते हुए हाथ की हथेलियां नीचे, सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए हाथ की हथेलियां नीचे। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह मुट्ठी बनाना है और इस तरह गोल गोल घुमाना है, जैसे 1 2 सांसें भरे, सांसें छोड़ते रहे, 3 4 5। तो इस साइड से भी आपको 5 बार, जैसे सर्कल गोल बनाना है, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, 1 2 3 4 5। शुरू में आप 5 बार 10th बार करें, उसके बाद आप जितना कर सकते उतना करें। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह खोलना है, कंधे के पास अपने हाथों को इस तरह लेके आना है, फिर सीधा, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह सांसें भरें, सांसें छोड़ते हुए हाथों को आगे, सांसें भरें। तो इस तरह आपको आराम आराम से करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से भी हम लोगों ने किया, उसके बाद आपको अपने हाथों को इस तरह सीधा और इस तरह से कंधों के पास लेके आना है, फिर सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते रहे। सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए हाथों को इस तरीके से, तो ऐसा 5 से 10th बार, 6 बार कर सकते, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से पहले आगे, फिर हाथों को लाके इस तरह से पीछे, आराम आराम से बिल्कुल करें। हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर, सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए कंधों पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे जितना आप कर सकते हैं, 5 बार 6 बार 10 बार सांसें भरना, सांसें छोड़ते हाथों को नीचे। नेक्स्ट में क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से कंधों के पास रखना है और इस तरह से आगे की कोहनियां, जितना अगर आपका सट सकता है तो ठीक है, नहीं सटता इतना आता तो इतना, जितना हो सके आपको उतना करना है। तो इस तरह से हाथों को लाके गोल गोल इस तरह से घुमाना सटा के, जैसे 1 सांसें भरे, 2
थ्री फोर फाइव, तो आप 10 बार कर सकते हो, 5 बार फिर इस, अब उल्टे साइड से जैसे 1 सांसें भरे हैं, 2 3 4 5। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से पीछे से जोड़ना है, जैसे इस तरह सिर के पीछे जोड़ लेना है हाथों को, और सांसें भरना है हाथों को इस तरह, सांसें भरते हुए आगे, सिर ऐसे ही रहेगा, हाथ जितना पीछे से कर सकते उतना करना है, फिर ऐसे सांसें छोड़ते हुए, जैसे 1 2, सिर आपका सीधा ही रहेगा, 3 4 5 6, इस तरह 5 से 10th बार कर सकते हैं, सांसें भरना है हाथों को पीछे जितना आप ऐसे ले जा सकते हैं सिर के पास, फिर सांसें छोड़ते हुए आगे, जैसे आराम आराम से करें, तो ऐसा आप 5 बार कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं, 10th बार कर सकते हैं, जितना आपको आराम लगे उतना आपको करना है, धीरे धीरे करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह कंधों को गोल गोल घुमाना है, और अपने हथेलियों को घुटने पे गोल गोल इस तरह से हाथों को घुमाना है, जैसे सांसें भरे कंधा पीछे, 2 गोल गोल हथेलियाँ गोल गोल घुटनों के पास, 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से अब आपको इस साइड से, जैसे इस साइड से हम लोगों ने गोल गोल घुमाया, अब इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह आपको 5 5 बार, 10 10 बार, 6 6 बार करना है, अपने हाथों को ऊपर से इस तरीके से गोल घुमाना है, पैर को इस तरह से घुटनों के पास करना है गोल गोल इस तरीके से, तो आराम आराम से करें, आप शुरू में 5 बार करें, गोल गोल करना है दोनों साइड से, पहले आगे साइड से फिर पीछे साइड से, तो ऐसा 5 5 बार कर सकते हैं। क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथों को मुट्ठी बना लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है, एक पास इस तरह अपने चेस्ट के पास आपको लेके आना है, सीधा कमर आपका सीधा रहेगा, और सांसें भरना है सांसें छोड़ते हुए, जैसे सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए आगे, इस तरीके से आपको करना है, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह 5 से 10th बार, 6 बार 7 बार, जितना आपसे हो सके उतना करना है, शुरू में आप 5 बार तो जरूर करें, तो सांसें भरना है सांसें छोड़ते हुए, इस तरीके से आपको हाथों को लाना और हाथों को खोलना नहीं, इस तरह से बंद करके ही रखना है, चेस्ट के पास लाना है फिर सीधा, चेस्ट के पास लाना है फिर सीधा, तो इस तरीके से आपको करना है 5 से 10th। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाथों को इसी तरह मुट्ठी बना के जैसे इस तरीके से सांसें भरना, और किसी चीज को जैसे आप खींच रहे हो ना, जैसे स्प्रिंग, वैसे आपको खींचना, जैसे इस तरह से सांसें भरना है, इस तरह से थोड़ा खींचना है, जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींच रहे, थोड़ा यहाँ मुट्ठी पास जोर लगा के इस तरह से खींचना है, फिर सांसें छोड़ते हुए इसे आपस में सटा देना है, तो इस तरीके से कमर सीधा रखना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह 5 बार 10th बार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधा बैठे सांसें भरे, सांसें छोड़ते हुए इस तरह साइड में अपने फेस को यहाँ लाना है, बिल्कुल आराम आराम से, फिर सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए साइड में, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए साइड में, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए साइड में, और ऐसा आपको बस 2 से 3 बार करना है शुरू में, फिर सांसें भरें, सिर को ऊपर की ओर धीरे धीरे आराम आराम से, फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे, फिर सांसें भरें, और गर्दन को ज़्यादा आपको नीचे नहीं झुकाना है, बस इतना हिलाना है, इससे ज़्यादा अपने फेस को नीचे नहीं लेके आना है जब भी आप करोगे, क्योंकि आपके गर्दन में दर्द है, तो इसको बिल्कुल आपको इस तरह से नहीं आके सटाना है, बिल्कुल थोड़ा लेके आएंगे अपने सिर को नीचे की ओर, तो गर्दन को बस इतना ही आपको लाना है, इससे ज्यादा नीचे नहीं लाना है, तो सांसें छोड़ते हुए फिर ऊपर, फिर सांसें छोड़ते हुए,
बस इतना ही आपको करना है। और शुरू में आप 2 से 3 बार या 5 बार आप कर सकते हैं। जैसे साथ में आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा बैठना है, अपने आंखों को पहले ऊपर की ओर देखना है, फिर साइड में देखना है, फिर नीचे, फिर इस साइड। तो इस तरह आप अपने आंखों को पहले गोल गोल इस साइड से घुमाना है, फिर अपने आंखों को इस साइड, दूसरे साइड, फिर नीचे, फिर साइड में, फिर ऊपर। तो इस तरह से आप अपने आंखों से भी 2 से 3 बार या 5 बार कर सकते हैं। क्योंकि तो फ्रेंड्स, लास्ट बार मैंने आंखों के लिए आप लोगों को सिंपल सी एक्सरसाइज बताई, क्योंकि जब सर्वाइकल का दर्द होता है तो आंखों में भी बहुत बार दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है और आंखें अंदर चली जाती है। तो उसके लिए पहले से ही मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताई आंखों का, जिसमें आपको आंखों से पहले इस साइड से पूरा गोल देखना है, एक ही जगह बैठ के सिर को नहीं घुमाना, सिर्फ अपने आंखों को घुमाना, फिर इस साइड से ऐसे आंखों को घुमाते हुए अपना इस साइड से देखना है। तो ऐसा आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिससे आपको आंख में भी आराम मिलेगा। और जब आप सोते हैं तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट और पतला सा तकिया लेके सोना, और वो भी जब आप सीधा सोते हो तो आपको तकिए की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप साइड करवट लेके सोते हो तब आपको एक पतला तकिया लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो सर है वो आपके बॉडी के ये बैलेंस बना रहेगा। तो हल्का जब आप बायां साइड या दायां साइड जब करवट लेके सोते हो तब आप एक तकिया लेके सो सकते हो, भी पतला तकिया लेना है आपको। और इस एक्सरसाइज को रेगुलर करें, बैठकर सिंपल तरीके से करना है आपको, जब मन तब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपको खाना खा के ही करना है, आप इसे खाना खाने के कुछ देर बाद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठकर अपने घर पे आराम से इसे कर सकते हो और अपने शरीर में इसका लाभ। अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।